जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के लग रहा है कल तो ऐतिहासिक दिन है, उसके पहले साज उठा है हिंद शारदा पल्ली, कैसा लग रहा है? वेरी प्रीशियस डे, ये वक्त बार बार नहीं आएगा जो कल है। हमारे हिंदुस्तान का ये इतिहास है और हम लोग जितने भी सनातनी हैं मिलजुल के हम लोग इस चीज़ को प्रज्वलित करेंगे और अपने खोई हुई शक्तियों को फिर से वापस हम लोग लाने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जिस तरह से माँ बच्चों को जन्म देती है सर, कल हम लोग का एक नया जन्म है सर। जय श्री बहुत, ये शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता सर। ये बहुत बड़ी बात है हमारे हिंदुस्तान के सभी देशवासियों के लिए। बहुत एक खुशी की बात है सर। सेलिब्रेट तो सर मैंने पहले ही कहा कि शब्दों की बात नहीं है सर, ये तो बिल्कुल आत्मविभोर होकर हमारी पूरी देशवासी मनाने वाले हैं सर। आपका शुभ नाम? मैं मनोज सिंह। ओके। মেডিওয়ালের পক্ষ থেকে সকলকে জানে সাধারণ আমন্ত্রণ, মেডিক সার্জিক্যাল রেঞ্জে টোটাল রেঞ্জই পাওয়া যায়, যেমন হসপিটাল বেড, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, সিপ্যাপ, বাইপ্যাপ, তারপর অর্থোপেডিক হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, এলএস বেল, টোটাল রেঞ্জই পাওয়া যায় আমার এখানে। মেডিওয়ালের পক্ষ থেকে সকলকে আমাদের এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের ঠিকানা 35 নেতাজি সুভাষ রোড, উত্তরপাড়া, হুগলি, নিয়ার টাউন স্কুল এবং ইউকো ব্যাংকের মেন ব্রাঞ্চের পাশে রাস্তা, এবং আমাদের আরেকটি ব্রাঞ্চ আছে সেটা বালি বালিবাজারে। और हम लोग ये एक त्यौहार की तरह जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं उसी तरह से इसको पूरा मनाएंगे। घर को हम लोगों ने उसी तरह सजाया है, अपने मकान को सजाया है, मेरे बच्चे ने पटाखे मंगवाए हैं, पटाखे लाए हैं, तुमड़ी लाए हैं। ये हम लोग दिवाली जैसे मनाते हैं, वो भी दिवाली क्यों मनाते हैं कि रामचंद्र जी अयोध्या आए थे वापिस, इसीलिए दिवाली मनाते हैं। और फिर आज ये ऐसा मौका आया है कि रामचंद्र जी फिर अयोध्या आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की चीज़ नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोगों के मन में बहुत उल्लास है, घर में मिठाइयाँ बन रही है, हम लोग एक दूसरे को दिवाली पे मिठाई देते हैं, वैसे मिठाई बांटेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और इसी से हम लोगों को हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे रिश्तेदार सभी बहुत खुश हैं। एक दूसरे को हम लोग फ़ोन में सबको बधाइयाँ दे रहे हैं, हम लोग व्हाट्सएप पर सब लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं, और हम लोगों को बहुत महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने आज एक ऐसे देश में जन्म लिया है कि हम लोग ऐसा दिन देखने पा रहे हैं। नहीं तो ये तो एक आशा ही नहीं थी, ये एक ऐसा लग रहा था कि एक राजनीतिक फंडा है खाली और कुछ नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमन शर्मा है, धन्यवाद। मैं यहीं का बासिंदा हूँ शारदापल्ली का। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मना रहे हैं अपने घर में दिया जलाने का, कल का व्यवस्था है, दिया जलाएंगे, इसके अलावा घर में लाइट लगाए हैं, अपना मिठाइयाँ बन रही हैं। ये खुशियाँ जो हैं 500 साल बाद मिल रही हैं हमको। हमारी कई पीढ़ियाँ जो ये सब नई मंदिर बनते हुए देख पाई, कम से कम हमारा सौभाग्य है कि हम मंदिर बनते हुए और श्री राम का दर्शन करेंगे, ये हम लोग के बहुत बड़ा सौभाग्य है। अपना नाम? मेरा नाम है संजीव। কৃষ্ণ করছে ইভেন কি লোকেরা মোমবাতি প্রদীপ সব কিনে রেখেছে যে কালকে জ্বালাবে বলে। আমার বাড়ি থেকেও নিজে বলেছে যে প্রদীপের বাতি নিয়ে আসবে, আমরা ওই নিয়ে সবাই দীপাবলি মতন করব। আর এইটা মানে একটা
একটা খুবই গর্বের বিষয় হয়ে গেছে। এটা নিয়ে মনে হচ্ছে যেন দিওয়ালি না, যেন মানে একটা বাচ্চার ঘরে যেন জন্ম হয় তখন আনন্দ যেরম হয়, একটা ছেলের বিয়ে দেয় সেরকম একটা যেরম আনন্দ হয়, সেরমভাবে একটা জিনিসটা হচ্ছে। আর আমরা মন্দিরেও, আমাদের এখানে যে মন্দির আছে ওতেও আমরা খাওয়া দাওয়া অনুষ্ঠান ভান্ডারা করছি, যাতে আমরা সকলে একটা গেট টুগেদার করতে পারি, সবাই মিলে ওখানে আনন্দ করতে পারি। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে রমন শর্মা। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম।